दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज COVID-19 को लेकर एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप अगर अभी तक हमारे चैनल से नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में जो 17/5/2020 को एक जजमेंट पेश किया है COVID-19 को लेकर कि इसमें क्या कहा है। इसमें हाई कोर्ट ने यह कहा कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को लॉकडाउन के तहत या COVID-19 के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को क्या क्या दिशा निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को और जेल प्रशासन को और सरकार को, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो से बने रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल कानून की बात। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में, क्या है क्या कहा है हाईकोर्ट ने। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन DB सिविल रिट पिटीशन संख्या 56/18/2020 सोमोटो बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 17/5/2020 की अनुपालना में COVID-19 अवधि के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया आगे बताए अनुसार संचालन होगी। इसी प्रकार हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के समय कैप एवं मास्क पहनाना जाएगा। पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के समय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी के समय मास्क व दस्ताने का प्रयोग किया जाएगा। कार्रवाई के पश्चात दस्ताने धोए जाएंगे। पुलिस स्टेशन के लोगों को 100% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से पूर्ण तक किया जाएगा एवं सामाजिक दूरी आदि की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने जब लॉकअप में बंद व्यक्ति को लॉकअप से मुक्त किए जाने के पश्चात प्रत्येक बार लॉकअप को पुनः सैनिटाइज किया जाएगा एवं उपयोग किए गए कंबल आदि को धुलाई के लिए भेजा जाएगा एवं नए आने वाले व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं कंबल और अनेक वस्तुएं दी जाएगी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायाधीश यथाशीघ्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा के लिए आदेश प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने और भी कुछ कहा है इसे, जिस प्रकार अभियुक्त को मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेश प्राप्त होने पर जिला अस्पताल में जेल वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, COVID-19 RT-PCR जांच हेतु दाखिल किया जाएगा। RT-PCR जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्त मेडिकल टीम द्वारा की जाएगी। जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती रहने के दौरान जाँच रिपोर्ट आने तक उक्त व्यक्ति की निगरानी रखने हेतु पुलिस गार्ड जिला पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने और ही भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो इस पिटीशन में दिए गए। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि हाई कोर्ट ने पॉजिटिव आने पर मेडिकल विभाग की COVID-19 प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच में नेगेटिव आने पर व्यक्ति को जिला एवं केंद्रीय कारागृह में भेजा जाएगा जहां उसे जेल से पृथक बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में 21 दिन तक रखा जाएगा। उसकी नियमित मेडिकल जाँच भी कराई जाएगी। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने और कुछ कहा है, जेल के आइसोलेशन वार्ड में 3 सप्ताह रखने के उपरांत उन्हें जांच कराई जाएगी। जांच में नेगेटिव आने पर न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को 14 दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा। न्यायालय द्वारा जमानत याचिका स्वीकार किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को सामान्य कारागार में स्थानित किया जाएगा। न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा दिया जाएगा और पुलिस को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता अग्रिम अन्वेषण हेतु है तो उसे न्यायालय आज्ञा की पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा सकेगा। अति आवश्यक परिस्थितियों में कोविड अवधि में पुलिस रिमांड लिया जाए वापस कारागार भेजने में पुनः वही प्रक्रिया अपनाई जाए जो प्रथम प्रवेश के लिए निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जेल अधिकारी या कर्मचारी जो भी आइसोलेशन वार्ड के बंधुओं व के सीधे संपर्क में आते हैं, ऐसे अधिकारी या कर्मचारी एवं उनके परिवारजनों में वायरस का संक्रमण नहीं हो सके, इसके बाबत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जेल अधिकारियों एवं उनके परिवारजनों की कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा हेतु नियमित रूप से रैंडम टेस्ट कराए जाए। चिकित्सा अधिकारी जिला जेलों में आइसोलेशन वार्ड में बंद बंदियों का नियमित चेकअप करें। बंदियों के संदर्भ में जो जेल अधिकारी द्वारा आइसोलेशन वार्ड में स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के रखरखाव हेतु जो भी आवश्यक कदम उठाए आवश्यक है और बारे में जेल अधिकारी को सुझाव देता है कि रिकॉर्ड में भी संचालित करें। इसी के साथ साथ हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति अगर आप गिरफ्तार करें उन्हें आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करें। इससे